कहते हैं हुनर या प्रतिभा किसी एक की बपोती नहीं होती। प्रतिभाशाली कलाकार जात पात अमीरी गरीबी के कथित बंधनों से परे होता है, पर अफसोस कि आज के काम के अभाव में भुखमरी की मार झेल रहे बहुत से दुर्लभ प्रतिभा के धनी कलाकारों को गरीबी और मुफलिसी में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसे ही एक दृष्टिबाधित सुरीली आवाज के उम्दा गायक कलाकार गणेश रावण भलेराव बुधवार को दिग्रस की सड़कों पर अपने हुनर को परोसते नजर आए। पेश है ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर की सड़कों पर हाथों में डफली और अपनी सुरीली आवाज का हुनर पेश कर रहे ये गायक गणेश भालेराव है, जो आर्नी तहसील के यरमलहेटी गांव से है। गणेश कहते हैं कि इन दिनों हाथों में न काम है और न ही घर में पर्याप्त अनाज है, ऐसे में परिवार के लिए रास्ते पर उतरकर अपनी गायन कला का प्रदर्शन करना जरूरी हो गया है। कुदरत ने गणेश की आँखों को भरपूर रोशनी से भले ही महरूम रखा हो, पर उनके गले को जादुई आवाज से भर दिया है। यही वजह है कि गणेश की गायन शैली में कभी सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी, कभी मोहम्मद अजीज, कभी अनवर, कभी नुसरत फतेह अली खान तो कभी सुरेश वाड़कर जैसे महान पार्श्व गायकों की झलक कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही थी, जैसा कि ये गाना सुन लीजिए। घड़िया गई है सदी सुल्क जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलकते परिया गई है। वाले यरमलहेटी के, हमारा नाम गणेश भालेराव, पापा का नाम श्रावण है, मेरा नाम गणेश, अन्ना भालेराव है। तो ये हुनर मेरा बचपन से, जो ये बजाना गाना ये मैंने बचपन से घर से सीखे वाला हूँ, क्योंकि घर पे जो मेरे माँ ऐसे गाना गीना गाती थी, तो तब मैंने ऐसा कुछ घर पे जो ऐसा बर्तन हो कुछ भी हो ऐसा बजा देता और गाने गा के ऐसा बजा के देखता था, तो इसके वास्ते ये बजाना सीखा है भाई। बड़े बुजुर्गों से हमने सुन रखा है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी विराजित नहीं होती। इस बात को अजीब इत्तेफाक समझ लीजिए या हकीकत, गणेश के साथ भी यही तथ्य जुड़ा हुआ है। गणेश का घर परिवार गरीबी की निरंतर मार झेल रहा है। आर्थिक विपत्ति की मार से बने जख्मों पर गणेश अपने सुरों का मरहम लगाकर न सिर्फ अपने दिल को बहलाते हैं, बल्कि सुनने वालों का हौसला बढ़ाकर उन्हें गमों से निपटने की हिम्मत भी देते हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक की स्थिति में कोई सुधार नहीं आने से मजबूरन गणेश को डफली लेकर अपने नन्हे सुपुत्र कार्तिक के साथ रास्ते पर उतरकर पैसे जुटाने पड़ रहे हैं।
इस बारे में गणेश क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। घर पे कुछ सामान गिमान नहीं है, 3 बच्चे हैं खाने वाले, 1 औरत है, इसके वास्ते आज ये हुनर आपने निकाला, इसके वास्ते आज ये कमा के जब ले जाएंगे तब घर पे रोटियां पकाएंगे तब खाएंगे भैया। यूं तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से थक हार कर हट्टे कट्टे लोग भी हिम्मत हार देते हैं, लेकिन 90% दृष्टि बाधित होते हुए भी गणेश ने कभी भी अपनी इस कुदरती कमी को जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। गणेश भालेराव काम के अभाव में इन दिनों परिवार के गुजर बसर के लिए अपनी गायकी के हुनर और नन्हे कार्तिक को साथ लिए हौसले के साथ जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इनबीसीएन परिवार उनके हुनर और जज्बे को सलाम करता है। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।